देहरादून से बड़ी खबर, छात्रों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक। तो पुलिस झड़प के दौरान एक छात्र घायल हुआ है। 9 दिनों से अनशन पर बैठे छात्रों को पुलिस ने जबरन उठाया, जिसके चलते कुछ छात्रों की पुलिस के साथ झड़प हुई और छात्रों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो पुलिस ने अनशन से लाठी उठाने के लिए लाठी चार्ज किया था, तो छात्रों को अनशन से उठाने के लिए पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज किया गया। इस दौरान छात्र और पुलिस के बीच नोकझोंक देखी गई और एक छात्र घायल हो गया। तो छात्रों और पुलिस के बीच ये तीखी नोकझोंक, पुलिस की झड़प में दौरान एक छात्र घायल हुआ है। तो पिछले 9 दिनों से अनशन पर ये छात्र बैठे हुए थे, जिनको जबरन पुलिस की तरफ से हटाया जा रहा था और इस दौरान वहां बैठे छात्रों और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई और पुलिस ने लाठी चार्ज जो है वो किया, ये आरोप छात्रों ने लगाया है। तो छात्रों पुलिस के बीच इस दौरान तीखी नोकझोंक देखी गई और लाठी चार्ज के दौरान एक छात्र जो है वो घायल हो गया। तो ये बड़ी खबर आपको हम देहरादून से बता रहे हैं। 9 दिनों से अनशन पर बैठे छात्रों को पुलिस ने जबरन उठाया, जिसके बाद दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और एक स्टूडेंट इस दौरान घायल हो गया। तो पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे ही छात्र, जिनको जबरन यहां से पुलिस की तरफ से हटाया जा रहा था, जब छात्र यहां से नहीं हटे तो पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज किया गया। तो 9 दिनों से अनशन पर बैठे छात्रों को पुलिस ने जबरन उठाया, जिसके चलते कुछ छात्रों की पुलिस के साथ झड़प हुई, झड़प के दौरान एक स्टूडेंट घायल हो गया। तो छात्रों ने पुलिस पर लाठी चार्ज करने का आरोप लगाया। तो छात्रों पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक, हालांकि ये बताया जा रहा है कि 9 दिनों से ये स्टूडेंट अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे थे और इस दौरान पुलिस इनको जबरन उठाने वहां से गई थी, जब इनको यहां से हटाया जा रहा था तो छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। तो झड़प इतनी बढ़ गई कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। आप देख सकते हैं किस तरह स्टूडेंट को यहां पर खदेड़ते हुए। तो इस दौरान एक छात्र जो है वो घायल हो गया।